हेलो एवरीवन आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई की सबसे पहले हम जानेंगे फंजाई है क्या फंजाई एक ए क्लोरोफिलस नॉन वस्कुलर थैलोफाइट है ए क्लोरोफिलस का मतलब होता है इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होती है नॉन वस्कुलर मतलब इनमें जाइलम और फ्लोयम नहीं होता और थैलोफाइट का मतलब होता है इनकी प्लांट बॉडी एक थैलस से मिलकर बनी है थैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कोई भी डिफाइंड शेप या साइज़ नहीं होता है Hence, fungi are called as achlorophyllous, non-vascular, and thalophytes. Achlorophyllous due to absence of chlorophyll, non-vascular due to absence of xylem and phloem, and thalophytes due to uh, having a thallus, as the thallus have no well-defined shape. अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस फनजाई की फंजाई को हम लोग यूज़फुल एक्टिविटीज़ के लिए भी जानते हैं और हार्मफुल एक्टिविटीज़ के लिए भी जानते हैं हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे दो अलग अलग वीडियोस में इस वीडियो में हम फनजाई की यूज़फुल एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे जैसा कि हम जानते हैं फनजाई को हम एज़ फूड यूज़ करते हैं जैसा कि मशरूम्स हैं मेडिसिन की तरह इन्हें यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोडक्शन में इनका यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में इंजाइम प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर में और टेस्ट ऑर्गेनिज़म्स की तरह रिसर्च में भी फंजाई का बहुत यूज़ होता है अगर हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि पैथोजन है जो कि डिसीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स में एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में भी फंजाई मेजरली फूड स्टफ्स के स्पॉइलेज के लिए उनको ख़राब करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर्टिकल्स को खराब कर देते हैं लेदर पार्टिकल्स पर ग्रो करते हैं वुड पर ग्रो करते हैं प्लांट्स की वुड पे स्टेम पे ग्रो करते हैं और हेलोसिनोजेनिक फंजाई भी होते हैं जो कि पॉइजनस इन नेचर होते हैं हार्मफुल होते हैं इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि माइकोटॉक्सिन यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं जिस भी होस्ट पे ये ग्रो करते हैं उस पर माइकोटॉक्सिन सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से पॉइजनिंग की कंडीशन आ सकती है और आ, अलग अलग तरीके की डिसीज़ज और हार्मफुल इफेक्ट्स भी माइकोटॉक्सिन क्रिएट करते हैं अब हम लोग बात करेंगे फंजाई की यूजफुल एक्टिविटीज़ की फर्स्ट पॉइंट है एज़ फूड फंजाई आर कॉमनली यूज एज फूड कॉमनली मशरूम्स आर यूज एज फूड एंड ईस्ट आर ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड मशरूम्स इन कॉमनली इंक्लूड एगारिकस, बाइसपोरस बोलीटस इड्योलिस

टस इडियोलिस और एगेरिकस कम्पेस्ट्रिस को एज फूड की तरह यूज किया जाता है एगारिकस कम्पेस्ट्रिस और मोरकेला एस्कुलेंटा कॉमनली इंडिया में ग्रो किए जाते हैं एज मशरूम्स जो कि एडेबल हैं Now, next we can use yeast as a food because yeast is commonly used in baker's uh, bakery. Uh, these are commonly used in production of bread and cakes. Yeast is important source of vitamin B and vitamin D. It is commonly used in fermentation process. Yeast is also called as baker's yeast due to its property of fermentation then we are coming with uh, next point which is as medicine uh, we can use most of the fungi species uh कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन फर्स्ट वी आर टेकिंग अप विथ एंटी बायोटिक्स एंटी बायोटिक्स आर द मेटाबॉलिक सब्सटेंसिस दैट आर प्रोड्यूसड बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर इंजीरियस टू अदर लिविंग बींग्स एंटी बायोटिक्स पर शॉर्ट नोट भी कॉमनली पूछा जाता है बस सी और एम एस सी के एग्ज़ाम्स में कि वॉट आर एंटीबायोटिक्स सो एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम से प्रोड्यूस किए जाते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं या इनहबिट करते करते हैं। उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं सबसे पहला एंटीबायोटिक एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने 1944 में एक्सट्रैक्ट किया था वो स्टैफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे उन्होंने कल्चर प्लेट स्टेफाइलो टाफ, स्टैफाइलोकोकस की बनाई थी और उन्होंने अपना जब वो लैब वर्क के लिए गए थे और अगले दिन जब उन्होंने आके अपनी पेट्री डिशेस को देखा तो उन उस पर उनको फंगस की ग्रोथ दिखाई दी जो कि स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही थी उसके बाद उन्होंने उस पर काम किया और उन्हें पता चला कि ये पेनिसीरियम नोटैटम नाम का फंगस है जो कि उनकी बैक्टीरियल कल्चर प्लेट पर ग्रो कर रहा है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है उसके बाद उन्होंने इससे पेनिसलिन नामक एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किया तो पेनिसलिन वॉज द first antibiotic that was extracted by alexander fleming from a fungus named as penicillium notatum it is also asked in short notes देन यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हुए हैं जैसा कि हम जानते हैं पेनिसिलिन जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सट्रैक्ट किया था पेनिसलियम नोटैटम्स या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से भी पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं दूसरा हमारा एंटीबायोटिक है इर्गोटिन जो कि क्लैसेप्स परप्यूरिया में पाया जाता है क्लैसेप्स परप्यूरिया एक फंगस है जो कि इर्गॉट डिसीज़ कॉज करता है जिसमें ब्लैक स्क्लैट्रोटिया फॉर्म हो जाते हैं उसके होस्ट में होस्ट प्लांट में नेक्स्ट है हमारा सिफेलोस्पोरिन सिफेलोस्पोरिन इज कॉज्ड सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम स्पीशीज एंड इट मेनली अफेक्ट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नेक्स्ट वन इज़ द प्रोलीफेरिन Proliferin is an antibiotic which is extracted from Aspergillus proliferans and it is used in the treatment of tuberculosis. Next we are dealing with the ergot. Ergot is commonly a substance or a medicine that can be uh, prepared from the sclerotia of Claviceps purpurea. Ergot medicine is commonly used to check hemorrhage and it is also used in treatment of menstrual disorders then next we come up with steroids steroids are the complex organic compounds that are effective against arthritis allergy for example cortisone is prepared by fermentation of rhizopus nigricans and aspergillus niger so these are the uh, these ones are related to medicine antibiotic ergot steroids these are commonly produced by the fungus and used as medicine next one is the vitamins vitamins are required by the organisms for their proper growth yeast for example saccharomyces cerevisiae uh, these are good source of vitamin b complex Next category is fungi in the production of organic acids. Commonly, organic acids uh, are produced from the fungus R. Uh, citric acid. Citric acid is used by the fermentation of sugars by Aspergillus niger. Citric acid is commonly used in soft drinks. Then uh, we will come up with gluconic acid. Gluconic acid is produced by the fermentation of sugars by Aspergillus niger and Penicillium, pulvireogenum. Then uh, the gluconic acid is commonly used in medicines food textile industries fumaric acid fumaric acid is prepared by fermentation of sugars by rhizopus stolonifer and it is used in alkyling alkyl resins and wetting agents so uh, fungus are also used in the pr preparation of organic acids

then next one is in baking industry fungi used in baking industry most of the fungi are used in baking industry in, uh, by uh, the process of fermentation the fermentation of carbohydrates commonly by saccharomyces cerevisiae called as yeast produces ethyl alcohol and co2 so this is the common reaction of the fermentation process in which the carbohydrates in the presence of yeast produce alcohol and co2 so this is uh, commonly used in the manufacturing of breads and cakes. Then uh, next one is the cheese industry. Uh, fungi are different types of fungus are used in the production of different type of cheese, like Penicillium camembertii and Penicillium roquefortii. Then uh, here is a chart showing different types of cheese, which are produced from different types of fungus. For example, the mozzarella cheese, uh, it requires in early stage lactobacillus bulgaricus, and in later stages, leuco non cremoris is used for the preparation of mozzarella cheese. Then we have camembert cheese, which is which requires lactobacillus lactis in the early stage and penicillium camembertii in the later stages. We have blue cheese. Cheese, roquefort cheese which are semi-soft in nature and it requires lactobacillus lactis in early stage and penicillium roqueforti in the later stages so these are some of the cheeses that are prepared from different types of fungus uh, they require different type of fungus in early stages as well as in later stages for their ma maturation

इन इंजाइम प्रोडक्शन बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जो कि इंजाइम के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं जैसा कि इन्वर्टेज़ uh, के प्रोडक्शन के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का इस्तेमाल किया जाता है इन्वर्टेज एक इंजाइम है जो कि शुगर्स को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है दूसरा इंजाइम है जायमेज जिसे uh, जो कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी uh, में पाया जाता है और ये फर्मेंटेशन में कॉमनली यूज होता है

प्लांट और एनिमल के पार्ट्स को डिकम्पोज करने में या कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में फंजाई का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है दूसरा है इन बायोलॉजिकल कंट्रोल फंजाई को बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जाता है कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो दूसरे फंजाई की ग्रोथ को रोकते हैं और वो दूसरे फंजाई प्लांट्स पर डिसीज़ कॉज करते हैं जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल एक लें तो एक एग्ज़ाम्पल है पीथियम का पीथियम एक कॉमन फंगस है जो कि डैम्पिंग ऑफ डिसीज़ कॉज करता है एंड इट डैम्पिंग ऑफ डिसीज़ कॉज करता है दिस कैन बी चेकड बाई पेनीसीयम वर्मिकुलेटम एंड रइजोक्टोनिया औरज़े पीथियम की ग्रोथ को रोकने वाले दूसरे फंगस का नाम है पेनीसीयम वर्मिकुलेटम और राइजोक्टोनिया औरज़े ये जहाँ पर ग्रो करेंगे वहाँ पर पीथियम ग्रो नहीं करेगा पीथियम फंगस डैम्पिंग ऑफ डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है डैम्पिंग ऑफ डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें सीडलिंग स्टेज पे छोटे छोटे प्लांट्स जब होते हैं सीडलिंग के फॉर्म में वो ग्रो नहीं कर पाते अगर उन पर पीथियम का इन्फेक्शन होता है वो तुरंत गिर जाते हैं इसलिए उनको डैम्पिंग ऑफ डिसीज़ बोलते हैं तो जहाँ पर भी पैनिसलियम वर्मिकोलेटियम या राइजोक्टोनिया ओराइजे ग्रो कर रहा होगा वहाँ पर पीथियम नहीं ग्रो कर पाएगा तो इस तरीके से ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये दूसरे आ, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोक रहे हैं next we are coming with mycorrhiza mycorrhiza is a symbiotic relationship between fungal hyphae and the roots of higher plants so it is known as mycorrhiza there are two types of mycorrhiza actomycorrhiza and endomycorrhiza example is rhizoctonia species and scleroderma the fungi obtains food from higher plants and in turn supplies mineral element to the plant माइकोराइज़ा पे शॉर्ट नोट भी आता है माइकोराइज़ा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें होस्ट और जो दूसरा सिम्बायोटिक पार्टनर होता है दोनों को ही बेनिफिट होता है तो माइकोराइज़ा एक एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ये हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ ग्रो करता है फंगस जब हायर रूट्स की प्लांट्स के साथ ग्रो करता है तो उस एसोसिएशन को माइकोराइज़ा बोलते हैं एग्जाम्पल अगर हम देखें तो राइजो ऑटोनिया और स्क्लैरोडर्मा है इसमें क्या होता है फंगस प्लांट से फूड लेता है और बदले में उसे मिनरल एलिमेंट प्रोवाइड करता है तो ये एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ही पार्टनर्स को बेनिफिट होता है किसी को भी लॉस नहीं होता है सो माइकोराइजा इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एज इट इज़ यूजफुल इन एग्रीकल्चर इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर बाई द प्लांट्स नेक्स्ट वन इज़ द एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड सॉइल फर्टिलिटी फनजाई आर ऑल्सो हेल्पफुल इन बाइंडिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स सम ऑफ द फंगस एक्ट्स एज नाइट्रोजन फिक्सर्स एंड दे ऑल्सो हेल्प इन ह्यूमस प्रोडक्शन बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो कि सॉइल के पार्टिकल्स को बांधने का काम करते हैं क्योंकि फंगस का हाइफा थ्रेड लाइक होता है और वो जब सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में ग्रो करता है तो वो एक एज बाइंडिंग सब्सटेंस वर्क करता है और कुछ कुछ फंगस नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करते हैं कुछ कुछ फंगस ह्यूमस प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं नेक्स्ट वी आर कमिंग अप विथ फंजाई एज इंसेक्टिसाइड फंजाई आर ऑल्सो यूज एज इंसेक्टिसाइड फॉर एग्जाम्पल बॉवेरिया बेसियाना इट्स कॉमनली यूज टू कंट्रोल एफिड्स

रिप्रोडक्शन के केसेस को स्टडी करने के लिए एस्कोस्को एस्कोस्पोर के लिए स्टडी करने के लिए और न्यूरोस्पोरा एक कॉमन फंगस है जो कि रिसर्च की फील्ड में यूज़ किया जाता है इसको यूज़ किया जाता है विटामिन बी की क्वांटिटी को टेस्ट करने के लिए सैंपल में दूसरा एग्जाम्पल है एस्परजिलस नाइजर का जो कि जिंक निकल और कॉपर को डिटेक्ट कर लेता है सैंपल में चाहे वो माइन्यूट क्वांटिटी में ही क्यों ना हो ये तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेता है तो फंजाई अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है फ़ूड में यूज़ हो रहा है मेडिसिन में यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर uh, में यूज़ हो रहा है और टेस्ट ऑर्गेनिज़म की तरह यूज़ हो रहा है सो so, फंजाई की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और इसकी हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच